ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ड्रैगन यानी कि चाइना ने हमारी भारतीय सीमाओं में घुसने की नाकाम कोशिश की हो। यह अक्सर ही होता रहता है कि चाइना अपने नापाक इरादों के साथ भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करता रहता है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। चाइना के साथ भारत की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगी हुई है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर अपना दावा कर रखा है, जबकि लद्दाख का लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भाग चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को हुए एक समझौते में पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी थी। चीन लद्दाख को अपना हिस्सा बताता है और वहीं अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। और अब हाल फिलहाल में भारतीय सेना के मुताबिक त्वांग सेक्टर यांगस्ते में 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई। इससे पहले साल 2016 में भी इसी क्षेत्र में लगभग 250 चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए थे। फिर साल 2017 में डोकलाम में भारत और चीन के बीच टकराव हुआ था, क्योंकि चाइना इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण कर रहा था, तब भारत ने इसका विरोध किया था। लगभग 2 महीने लंबे चले डोकलाम विवाद को 28 अगस्त 2017 को भारत और चीन ने विवादित जगह से पीछे हटने का ऐलान किया था। 15 जनवरी 2020 को गलवान घाटी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि बाद में ही सही चीन ने भी अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की थी, लेकिन उसमें भी संशय था, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने चाइना के 38 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था। 1990 के दशक में चीन और भारत के बीच कई बार की हुई बैठकों में दोनों ही तरफ के नक्शे में 25 क्षेत्रों की पहचान की गई थी, जहां घुसपैठ की संभावनाएं रहती थी। पहले ये संख्या 23 थी, लेकिन जब साल 2020 में लद्दाख और गलवान हॉट स्प्रिंग्स में चीनी घुसपैठ के चलते ये संख्या 25 हो गई है, जो अब विवादित क्षेत्रों में आते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।